अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं जो टैक्स वेबिनार हुआ उससे रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव हैं और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो हमने सोचा कि एक वीडियो रिकॉर्ड करके उन क्वेश्चंस को आंसर कर दिया जाए ताकि उससे सबका फ़ायदा हो जाए। पहले तो जो है वो बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है अपना रिटर्न खुद फाइल कर लिया है, या वो अपना फाइल कर रहे हैं या अपने पेरेंट्स का फाइल कर रहे हैं। जो हमारी वेबिनार कराने का जो मैंने और मुस्तफा ने जो मेन मकसद सोचा था वो यही था कि लोग असल में डरते हैं कि नहीं, रिटर्न नहीं भरना, FBR आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि हमारे इस वेबिनार को लेने के बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना रिटर्न अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही फाइल कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने जो है वो उनको काफी चीजें समझ में भी आई हैं इस वेबिनार से, और उन्होंने हमसे जो है वो सवालात भी ऐसे किए हैं जिससे मालूम हो रहा है कि उनको चीजें समझ आ रही हैं। और कुछ ने तकरीबन जो है अपना रिटर्न ड्राफ्ट स्टेज में तैयार कर लिया है 2020 का, और कुछ लोग इंशाल्लाह अगले हफ्ते में, अगले महीने के अंदर इंशाल्लाह रिटर्न अपना फाइल कर लेंगे। तो ये बहुत ही खुशी की बात है और हमें इससे बहुत ही ज्यादा जो है वो खुशी हुई है देखकर कि लोग अपना रिटर्न फाइल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो खुद ही मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद ये है कि कुछ लोग जो है उनको अभी भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन जो हमने नोटिस की है, जो लोग मुझसे बार बार सवाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, वो ये है कि क्या मैं आज रिटर्न भर दूंगा। अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो जल्द से जल्द रिटर्न भरवा दे, हमारा हमें फाइलर बनना है। देखिए, ये बात मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताई हुई है, आज भी मैं आपको फिर बताऊंगा। एक और बता दूंगा कि आप रिटर्न फाइलर हैं कि नहीं है, या आप FBR की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपने 2020 का रिटर्न भरा है, अगर आप अभी जो 2020 का रिटर्न भरेंगे तो आपका नाम फाइलर लिस्ट में पहली मार्च 2021 में आएगा, जब 2020 के रिटर्न की बेस पे FBR की लिस्ट अपडेट होगी। अगर आपको जल्दी है और आप फौरन फाइलर बनना चाहते हैं, आपका कहीं एडवांस टैक्स कट रहा है, डबल कट रहा है, जिसको आप विथहोल्डिंग टैक्स कट रहा है जिसको आप कम करना चाहते हैं, तो आपको 2019 का रिटर्न भरना पड़ेगा और ₹1000 का पेनल्टी का चालान भरना पड़ेगा। अगर वो आप भर देंगे तो आप आज की डेट पे फाइलर बन जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जो है नहीं, मुझे जल्दी नहीं है फाइलर बनने की, तो आराम से 2020 का रिटर्न भरें और मार्च 2021 का वेट कर लें, आपका नाम मार्च 2021 में फाइलर में आ जाएगा। एक ये सवाल था। अच्छा, इसमें जो है मैं आपको बता भी सकता हूँ। देखें, ये FBR की वेबसाइट है, यहाँ आप चले गए e.fbr.gov.pk में, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का। आपने यहाँ जाके मैं अपना NTN नंबर डाल के, अपना रजिस्ट्रेशन CNIC नंबर डाल के आपको ये चेक करवा देता हूँ। डेट आपने जिस डेट को आप चेक कर रहे होंगे, आपने वो उस दिन की डेट सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर सितंबर 5 मैंने सेलेक्ट कर ली। सितंबर आज की डेट मैंने सेलेक्ट कर ली। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, मेरा नाम आ गया, फाइलिंग स्टेटस आ गया एक्टिव। और अगर आपने मैसेज पे चेक करना है तो उन्होंने मैसेज का भी ऑप्शन दे दिया कि आप मैसेज पे किस तरह चेक कर सकते हैं कि आप एक्टिव हैं कि नहीं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आज की डेट पे आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम फौरन आ जाए, तो आपने करना ये है कि 2019 का रिटर्न भरना है, टैक्स ईयर 2019 का रिटर्न भरना है। जैसे ही आप अपना रिटर्न सबमिट कर देंगे, आपने e.fbr में जाके अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने ई पेमेंट के ऑप्शन में जाना है, क्रिएट पेमेंट। क्रिएट पेमेंट के अंदर आपने सेलेक्ट करना है इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स में सेलेक्ट करने के बाद देखें, यहाँ टैक्स ईयर है, अगर आपने फाइलर बनना है तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा 2019। ठीक है, और यहाँ पेमेंट नेचर में सेलेक्ट करेंगे मिसिलिनियस। ठीक है, और मिसिलिनियस के अंदर सेक्शन सेलेक्ट करेंगे सरचार्ज फॉर ATL। ठीक है, अब जैसे देखें, जैसे ही मैंने सरचार्ज फॉर ATL सेलेक्ट किया, इसने लिख दिया क्रिएशन ऑफ PSID अंडर दिस पेमेंट सेक्शन इज ओनली अलाउड फॉर टैक्स ईयर 2019। ये बता रहा है कि अगर आपने 2019 के लिए फाइलर बनना है तो 2019 का रिटर्न भर के ये आपने ये चालान सिर्फ 2019 के लिए वैलिड होगा, और इस चालान को आपने अपलोड नहीं करना, पहले आपने अपना 2019 का रिटर्न भर देना है। आराम से जैसे ही वो रिटर्न सबमिट हो जाएगा, कंप्लीटली टास्क में चला जाएगा, उसके बाद यहाँ आके आपने ₹1000 का चालान बना लेना है और फिर पेमेंट नेशनल बैंक को कर देनी है। आपका नेक्स्ट डे इंशाल्लाह वो जो ATL की लिस्ट है उसमें आपका नाम आ जाएगा। अगर आपको जल्दी नहीं है तो मेरा मशवरा ये होगा कि 2020 का रिटर्न भरें आराम से,
और मार्च 2021 का वेट कर लें, जल्दी ना करें, पुराने रिटर्न 2019 का भरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो हमसे जो है वो बार बार किया जा रहा है वो एक ये है कि मेरी एओपी है, मैं उसका एनटीएन नहीं बना पा रहा, पार्टनरशिप फॉर्म है एनटीएन नहीं बना पा रहा, या कंपनी है उसका एनटीएन कैसे बने। देखिये, हमने जो आपको आयरिस पे एनटीएन बनाने का तरीका बताया है उसमें सबसे पहले वो मैं आपको एक दफा दिखा भी देता हूँ, उसमें वो सबसे पहले जो है वो मांगता है सीएनआईसी। तो जो आयरिस पे जो रिटर्न भरेगा, आयरिस के ऊपर जो है जो एनटीएन बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल का बनेगा, वो एओपी और कंपनी का नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, मैं इसमें चला गया, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल का बनेगा। अगर आप कोई पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं तो आप अपनी पार्टनरशिप डीड बनवा लें, और उसका रिटर्न अगर आपने बनना है तो फिर वो आप एफबीआर की ऑफिस जाकर, उनकी जो ऑफिस है सदर वाली ऑफिस में या जोर वाली ऑफिस में, वहां जाकर उसका एनटीएन बनेगा। वो डीड के साथ रेंट एग्रीमेंट वगैरह, जो पार्टनर्स है उसके सीएनआईसी वगैरह, वो डॉक्यूमेंट्स आपको देनी पड़ेगी, फिर वहां आपका एनटीएन बनेगा। पार्टनरशिप फर्म का एनटीएन यहाँ ऑनलाइन आयरिस के ऊपर नहीं बनेगा। अच्छा, दूसरा सवाल कंपनी का एनटीएन। देखिए, कंपनी का एनटीएन जब आप कंपनी एसईसीपी से बनवाते हैं, फॉर्म एक कंपनी फॉर्म होती है, उसके साथ ही एफबीआर खुद ही आपका एनटीएन ऑटोमेटिकली एसईसीपी बना के दे देता है, और जो ईमेल आईडी आपने एसईसीपी को दी है उसी ईमेल आईडी के ऊपर एफबीआर से एनटीएन की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आपको एफबीआर विजिट करने की जरूरत नहीं है, ना आयरिस लॉगिन करने की जरूरत है। तो एक चीज ये क्लियर हो गई कि अगर आपने जो है वो इंडिविजुअल हैं और अगर आप जो है अपना एनटीएन बनाना चाहते हैं तो वो सिर्फ आयरिस की वेबसाइट से बनेगा, बाकी कोई जो है रजिस्ट्रेशन आयरिस से नहीं हो सकती, एओपी की भी नहीं हो सकती और कंपनी की भी नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, अगर एओपी और कंपनी आपने बना ली, तो एओपी और कंपनी अगर किसी ने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है जुलाई 2021 के अंदर, ठीक है, अब वो रिटर्न तो 2020 का रिटर्न तो फाइल करेगा नहीं, वो तो जाहिर सी बात है कंपनी बनी ही जब 2021 जुलाई 2020 में, तो उसके लिए टैक्स ईयर 2021 लगेगा, वो 2020 का रिटर्न फाइल नहीं करेगी कंपनी, ऑटोमेटिकली कंपनी का नाम एटीएल में रहेगा जब तक अगले रिटर्न की डेट नहीं आ जाती। जब तक अगला रिटर्न फाइल नहीं हो जाता, कंपनी का नाम ऑटोमेटिकली फाइलर लिस्ट में रहेगा, कंपनी को पुराने रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल अगर जब भी रजिस्ट्रेशन कराएगा, अगर उसको आज की डेट पर फाइलर बनना है, तो उसको अगर अपना फाइलर बनना है तो पुराना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और अगर वो चाहता है कि जो उसको कोई जल्दी नहीं है तो जो है वो पेनल्टी भरने की और पुराना रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है, 2020 का रिटर्न भरे, आराम से सुकून से बैठ जाए, पहली मार्च 2021 को उसका नाम फाइलर लिस्ट में आ जाएगा। अच्छा, एक और सवाल जो बहुत से लोगों ने हमसे किया है वो ये है कि मैं 2020 का रिटर्न भर रहा हूँ, पोर्टल अलाउ नहीं कर रहा, 2019 का रिटर्न भी भरना पड़ेगा। देखिए, वो हो सकता है कि पोर्टल में कोई उस वक्त कोई एरर चल रहा हो, कोई फॉल्ट चल रहा हो, वरना आपको 2020 के रिटर्न 2019 का रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, हमने वेल स्टेटमेंट की अपनी वीडियो में बताया ही है बात, लोग कह रहे हैं कि जो पुराने जो इनकम है उसको कहाँ डालेंगे, पुरानी वेल्थ को कहाँ डालेंगे। देखिए, आप 2020 का रिटर्न भरें, ठीक है, और अपनी जितनी भी पुरानी वेल्थ है उसको एक एक्सेल की शीट के ऊपर नोट डाउन कर लें कि ये मेरी पुरानी पिछले सालों की इनकम ये है, ये इसमें से एक्सपेंसेस होगा, ये नेट वेल्थ मेरी बचती है। उसको 2020 के रिटर्न में जब आप वेल्थ स्टेटमेंट जाएंगे, वेल्थ त्रिकोण में जाएंगे, उस पूरी वेल्थ को ओपनिंग वेल्थ के अंदर डाल दें, और उसका आपके पास टेल होना चाहिए कि वो पैसे कहाँ से आए, क्यों आए, ठीक है। उसके लिए पुराने सालों का रिटर्न भरने की ना पोर्टल की कोई रिक्वायरमेंट है, ना एफबीआर की कोई रिक्वायरमेंट है, ना हमारा मशवरा होगा कि आप पिछले सालों के सारे सालों के जाके रिटर्न भरें। आप सुकून से 2020 का रिटर्न खोलें पोर्टल पे, जितनी पुरानी जितनी वेल्थ आप समझते हैं, तो कि जाहिर सी बात है वो आपके वाइट पैसे हैं, उनको जाया नहीं करना, किसी का उसके ऊपर टैक्स कटा हुआ है, किसी का कुछ कटा हुआ है, तो आपने उसको एक एक्सेल की शीट के ऊपर लिखना है कि अंदाजन आपके हिसाब से कितनी वेल्थ बनती है या आपकी आज की वेल्थ कितनी है, वो सब आपने ओपनिंग नेट वेल्थ के अंदर डाल देनी है, और इस साल की जो भी इनकम और एक्सपेंसिस है वो डाल देने, ऑटोमेटिकली वो क्लोजिंग वेल्थ के अंदर वो वेल्थ आ जाएगी। 2018 का 19 का रिटर्न भरने की उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि 2019 का रिटर्न भर देंगे और 2020 का भर देंगे तो कल सुबह नाम फाइलर लिस्ट में आ जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आप सिर्फ 2019 और 20 का रिटर्न भर देंगे तो फाइलर लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, नाम आपका मार्च 2021 में ही आएगा। अगर आप फौरन चाहते हैं तो 2019 का रिटर्न भी भरें और 1000 रुपए का पेनल्टी का चालान भी, जो मैंने आपको बताया, मिसिलिनियस में जाके एटीएल सरचार्ज सेलेक्ट करके चालान बनाएं और वो चालान नेशनल बैंक में पे कर दें, तो आपका नाम फौरन फाइलर में आ जाएगा। अच्छा, एक और मकसद जो आज की वीडियो का है हमारा, वो ये है कि बहुत से लोग जो है वो अभी भी डर रहे हैं, उनको रिटर्न भरने तो आ गए हैं, सीख भी गए हैं, लेकिन वो डर रहे हैं कि अगर मैं रिटर्न भर दिया तो एफबीआर से नोटिस आ जाएगा, क्या होगा। देखिए, हम चाह रहे हैं कि हम लोगों को इंकरेज करते हैं ज्यादा से ज्यादा कि आप लोग रिटर्न भरें। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बहुत सारी जगहों पर टैक्स कटा हुआ है, मोबाइल के बिल के ऊपर कटा हुआ है, बच्चों की स्कूलों की फीस के ऊपर कटा हुआ है, या उनकी डिविडेंड इनकम है उसके ऊपर कटा हुआ है, लेकिन फिर भी वो रिटर्न भरने से घबरा रहे हैं। लोग कहते हैं हम गवर्नमेंट को डबल टैक्स दे दें, लेकिन एफबीआर के वो पोर्टल पे आना नहीं चाहते, वो उनको डर लगता है कि एफबीआर की नजरों में आ जाएंगे। देखें, ऐसा कुछ नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है।
हमारा मशवरा होगा कि अगर आपके वैलिड पैसे हैं और आपने टैक्स दिया हुआ है, आपने कोई चोरी नहीं की है, हमारा मशवरा होगा कि आप जरूर रिटर्न भरें। ठीक है, इसलिए हमने इसके कुछ बेनिफिट्स हैं उनको हमने यहाँ पर कंपाइल कर लिया है ताकि हम लोगों को बता सकें कि अगर आप रिटर्न भरते हैं और फाइलर में आ जाते हैं तो उसको आपका सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा। एक तो देखें, जब आप फाइलर बन जाते हैं तो एक तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप कोई भी चीज जो है वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जो विथहोल्डिंग टैक्स की परसेंटेज होगी वो आधी होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपके बहुत से लोगों ने जिन्होंने ये वेबिनार लिया है उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उनकी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट है, तो स्टॉक एक्सचेंज के शेयर में इन्वेस्टमेंट है, वो बाय सेल भी करते हैं, बाय सेल करते हैं तो जाहिर सी बात है कैपिटल गेन भी उनको होता है, और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड किया हुआ है उनको डिविडेंड इनकम भी मिलती है। तो अगर आप जो है वो नॉन फाइलर रहेंगे और रिटर्न नहीं भरेंगे तो आपका एक तो कैपिटल गेन के ऊपर डबल टैक्स लगेगा, 15% के बजाय 30% लगेगा, डिविडेंड के ऊपर भी 15% के बजाय 30% लगेगा। दूसरा, आपका जो गेन हो रहा है उससे आपकी वेल्थ बन रही है, आपके पैसे वाइट हो रहे हैं जो कि गवर्नमेंट को शो नहीं होंगे। तो एक उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपकी वेल्थ शो ही नहीं होगी, आपके वाइट पैसे गवर्नमेंट को शो नहीं होंगे, और दूसरा ये है कि आप कैपिटल गेन जो है वो टैक्स डबल दे रहे होंगे, 30% दे रहे होंगे, और डिविडेंड के ऊपर टैक्स भी 30% दे रहे होंगे। तो समझ ले आधा तकरीबन जो है 1/3 डिविडेंड तो जो है और 1/3 कैपिटल गेन आपका वो तो सीधा का सीधा गवर्नमेंट को चल गया। तो इसलिए मशवरा ये होगा कि भराए मेहरबानी जो है अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है और जो है वो आपकी जो है वो नॉर्मल इनकम है तो या फाइनल इनकम में अगर आप फॉल करते हैं तो आप जो है मेरा मशवरा ये होगा कि अपना रिटर्न भर दें और फाइलर लिस्ट में आ जाएं। देखिए ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैंने फाइलर लिस्ट में आने के लिए कंपाइल किए हुए हैं। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको डिविडेंड की बात की कैपिटल गेन की, इसी तरह अगर आपने प्राइस बॉन्ड लिए हुए हैं और अगर आपका प्राइस बॉन्ड में कोई इनाम निकल जाता है तो उसके ऊपर भी SBP वो चेक SBP वो उसके ऊपर टैक्स काटता है आपके जो बॉन्ड होता है उसमें से, तो वो भी फाइलर लिस्ट में चेक करता है। अगर आप फाइलर होते हैं तो 15% कटता है, नॉन फाइलर होते हैं तो वो 30% कटता है, तो उसमें भी आपको डबल टैक्स देना पड़ेगा अगर आप नॉन फाइलर हैं। ठीक है, अच्छा, बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं 50,000 से ऊपर की करते हैं, अगर आप फाइलर हैं तो आप चाहे आप कैश विड्रॉ करें, चाहे आप चेक दें, 1 लाख का दें, 2 लाख का दें, मिलियन का दें, 5 मिलियन का दें, भले 5 मिलियन बैंक से निकाल लें, अगर आप फाइलर हैं तो आपका कोई भी एडवांस टैक्स उसके ऊपर नहीं कटेगा। नॉन फाइलर हैं तो 0.3% के हिसाब से आपका टैक्स कटता रहेगा, गवर्नमेंट आपको टैक्स काटती रहेगी, बैंक वाले आपका टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा कराते रहेंगे। एक तो गवर्नमेंट को पता भी लगता रहेगा कि आपके अकाउंट में इतनी ट्रांजेक्शन हो रही है, और दूसरा ये है कि आपको नुकसान ये होगा कि जेब से टैक्स भी देना पड़ रहा होगा, और तीसरा ये कि आपके पैसे भी वाइट नहीं होंगे। तो उनके लिए, उन हजरात के लिए भी यही मशवरा है कि जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, बड़ी ट्रांजेक्शन करते हैं, कि बराए मेहरबानी फाइलर बन जाए ताकि आपको गवर्नमेंट को आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई टैक्स ना देना पड़े। अच्छा, अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी में बाय सेल करते हैं, किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो प्रॉपर्टी जाहिर सी बात है वो सब लीज होती है, उसका एक FBR का चालान बनता है, कोई फ्लैट लिया है, कोई बेंगलो लिया है, जब आप वो तो वो रजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होता है वो भी चालान बनाते हुए आपका जो है वो ATL लिस्ट से नाम चेक करता है। अगर आप ATL लिस्ट में नाम आ रहा होता है तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है 1%, और अगर आपका नाम FBR की लिस्ट में ATL लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको एडवांस टैक्स 2% देना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेस की है जिसकी ऑफिशियल वैल्यू है 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रुपए, ठीक है, अगर आप फाइलर हैं तो वो आपका 1 लाख रुपए उसके ऊपर एडवांस टैक्स कटेगा, 1 लाख रुपए के एडवांस टैक्स का चालान बनेगा जो आप गवर्नमेंट को पे करेंगे, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका चालान बनेगा 2 लाख रुपए का। अच्छा, उसके बाद आपको दूसरा फायदा क्या है फाइलर होने का इस प्रॉपर्टी लेने में, कि वो जो 1 लाख रुपए का जो आपने चालान गवर्नमेंट को पे किया है फाइलर प्रॉपर्टी लेने पे सबलीज का, वो पूरा का पूरा एडजस्टेबल है, आप उसको अपनी इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, और जो उसमें बच जाता है उसका आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। साल के एंड में रिटर्न भरने के बाद रिफंड का ऑप्शन है पोर्टल में, आप वहां से रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं, या नेक्स्ट ईयर की इनकम से भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर अगले 2 साल में आप कहते हैं मेरे अगले 2 साल में जाके इनकम होगी तो उसमें से भी जाके आपको एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि अगर आप नॉन फाइलर हैं, आपने रिटर्न नहीं भरा, प्रॉपर्टी ले ली है, तो वो जो 2 लाख जो आपने दिए हैं वो आपके 2 लाख पूरे के पूरे जो है वो गवर्नमेंट को चलेगा, और वो आपको उसका कोई रिफंड कुछ भी आगे ना वो तो एडजस्ट हो सकते हैं आपकी किसी इनकम से, ना उसका आपको कोई रिफंड मिलेगा, जाहिर है तो कि आप फाइलर ही नहीं है। और दूसरी बात यह कि अब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी है कि 50 लाख से ऊपर की जो प्रॉपर्टी है वो नॉन फाइलर ले ही नहीं सकते, तो ये एक और मसला है कि नॉन फाइलर 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी भी नहीं। इसी तरह गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है, जो एक्साइज से गाड़ियां रजिस्टर होती हैं, अगर आप फाइलर हैं तो उनका टैक्स है 15,000 से लेकर, छोटी गाड़ियों का 15,000 से लेकर बड़ी गाड़ियां फॉर्चूनर वगैरह का वो टैक्स जाता है 2.5 लाख रुपए तक, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उसका टैक्स 30,000 से शुरू होता है मिनिमम छोटी गाड़ियों का, और फिर वो फॉर्चूनर वगैरह बड़ी गाड़ियों का वो चले जाता है 5 लाख रुपए। उसमें भी जो है वो गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा दी है कि 1300 cc और ऊपर से गाड़ियों पे अगर नॉन फाइलर है तो वो न्यू गाड़ी परचेज नहीं सकता, ओल्ड गाड़ी तो कहीं मार्केट से खरीद सकता है शोरूम वगैरह से, लेकिन न्यू गाड़ी जो है जैसे होंडा के ऑफिशियल शोरूम है या इंडस मोटर के ऑफिशियल, टोयोटा सेंट्रल मोटर वगैरह अगर आप चले जाएं तो वो आपको, अगर आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आ रहा तो वो आपको
गाड़ी, नई गाड़ी नहीं देंगे, वो आपके नाम पे गाड़ी बुक ही नहीं करेंगे। तो ये इसका एक और नुकसान है। इसी तरह जो है, अगर आप जो है, अगर आपका कोई टैक्स कट गया है बहुत ज्यादा, कहीं किसी ने टैक्स काट लिया है और आप चाहते हैं कि वो पैसे आपको वापस मिल जाए, रिफंड मिल जाए, या किसी अगली इनकम से एडजस्ट हो जाए अगले साल, तो वो भी नॉन फाइलर के पास तो ऑप्शन नहीं है कि नॉन फाइलर जो है उसको रिफंड क्लेम कर सके। फाइलर होगा और अगर ज्यादा टैक्स कहीं कट गया है तो वो उसको रिफंड क्लेम कर सकता है। और सबसे आखिरी में जो है, सबसे बड़ा फायदा ये है फाइलर होने का कि जो आपने टैक्स पे किया है, जो आपने इनकम डिक्लेयर किया गवर्नमेंट को, उससे आपकी वेल्थ एक्यूमुलेट हो रही है। नॉन फाइलर की कोई वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं हो रही। आगे जाके आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है, गाड़ी लेनी है, आपके पास वाइट पैसे होंगे तो आप गाड़ी भी ले सकेंगे और वेल्थ गवर्नमेंट को शो भी हो जाएगी। और उसकी बेस पे अगर इंशाल्लाह आगे कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, अपनी प्राइवेट लिमिट बना के काम करने जा रहे हैं, तो उसमें भी जो है आपको हेल्प होगी। डायरेक्टर के डायरेक्टर्स की वेल्थ होना जरूरी है, डायरेक्टर्स फाइलर होना जरूरी है, तो उसमें भी इंशाल्लाह फिर आपको हेल्प होगी। लेकिन अगर आप जो है रिटर्न ही नहीं भरते तो आगे जाके अगर कोई बड़ा बिजनेस करना है तो आपको उसमें भी मुश्किल होगी। तो इसलिए मेरा मशवरा यही होगा सारे दोस्तों से जिन्होंने जो है हमारा कोर्स लिया है, कि अगर उनकी खुद की अपनी पर्सनल इनकम है तो अपना खुद का रिटर्न, अगर खुद की नहीं है, पेरेंट्स की है, किसी जानने वालों की है, रिश्तेदारों की है, तो उनका रिटर्न जो है जरूर भरें और कोशिश करें खुद रिटर्न भरें। कोई घबराने की बात नहीं है, कोई चीज आपको समझ नहीं है, बहुत से लोगों ने मुझसे चीजें समझी हैं कि ये पोर्टल पे किस तरह डाली जाएगी, कहाँ डाली जाएगी, तो वो आप बिल्कुल बिला झिझक पूछें। बल्कि मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग ये चीजें पूछ रहे हैं। और बहुत से लोग जिन्होंने वेबिनार लिया है वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने क्लाइंट्स भी बना लिए हैं। एक बच्चे ने मुझे खुद बताया कॉल करके कि उसने जो है 4-5 लोगों का रिटर्न भर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो 2020 के रिटर्न भी वो लोग उसी से भरवा रहे हैं। 2019 का भर दिया है उसने चालान भर के, उनको फायदा बना दिया, और अब 2020 के रिटर्न भी इंशाल्लाह वो लोगों के खुद ही भरेगा। तो देखें, अब आपने इस वेबिनार को लिया है, मेरा मशवरा आपसे ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है इसको यूटिलाइज करें और जो है अपना रिटर्न, अपनी फैमिली की जो है वो वेल्थ को एक्यूमुलेट करें, वेल्थ ज्यादा से ज्यादा बनाएं। और अगर जो आपके टैक्सेस बनते हैं, बेशक टैक्स प्लानिंग जरूर करें और जहां टैक्स बचा सकते हैं वहां जरूर बचाएं, लेकिन जितना टैक्स जो है ऑफिशियल जो बनता है, आपको लगता है कि आपकी इनकम इतनी है, वो टैक्स गवर्नमेंट को जरूर दें। उससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा और आपको भी ये फायदा होगा कि आपकी वेल्थ एक्यूमुलेट होती जाएगी। तो एक दफा फिर जो है मैं लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जो है हमारे इस वेबिनार को पसंद किया और जो है अपना इसकी बेस पर जो है अपना खुद रिटर्न भरने की जो है कोशिश कर रहे हैं या इंशाल्लाह करेंगे। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी हो, कोई चीज पूछना चाह रहे हो, तो आप मेरा नंबर जो है वो मुस्तफा से भी ले सकते हैं और हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। और अगर हमारे से कोई सर्विस लेना चाहें तो आप हमारे को कॉन्टेक्ट फिर भी कर सकते हैं। ठीक है, एक दफा फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वेबिनार बहुत पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।